तो आप सभी का स्वागत है मोहिमा क्रिकेट एनालाइजर के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले ट्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट किट्स के बीच में खेले आने वाले 25वें कैरेबियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा डरा स्टेडियम डारोबा के मैदान पर। मगर उससे पहले एक बात देख रहे तो मार्केट रोड रहने वाला मार्केट रोड टी के आर के साइड रहने वाले ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के साथ 56 अटावर। वही सेशन टिप्स में कि ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के 6 ओवर आपको येस करके चलना है और सेंट किट्स एंड नेवियस पेट्रियट्स का नॉट करके चलना है। वही दोस्तों आपको बात कर लेते हैं, डेट होगा 30 सितंबर को खेलाएगा वीडियो, बात करेंगे हु विल विन दिस मैच, मैच कौन जीतने वाला है। साथ में सुबह 4:30 बजे खेलेगा ब्रायनर स्टेडियम टारो हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जिसमें ज्वाइन करके आप हमारा अकाउंट विजिट करके देख सकते हैं किस टाइप का काम दिया जा रहा है। वही व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए 8960091942, ये एक मैजिकल नंबर है और एक मैजिकल नंबर है जिसमें आपको सेव कर लेना है नंबर, सेव करके अपना अमाउंट डेबिट इस नंबर पर सेव करके भेज देना, सेंड कर देना, जैसे हम आपको आपके लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करवा के आपको मोटा प्रॉफिट कमा कर दे पाए इन फ्यूचर ट्रेडिंग मैचेस में व्हाट्सएप के मदद से। वो देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। जी हाँ, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स के बीच में जो लास्ट 10 मुकाबले खेले थे उसमें ट्रिनबागो ने 7 और सेंट किट्स नेवियस पेट्रियट्स ने 3 जीते हैं। दोस्तों मैं बात करें दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में, यह पिच स्पिनर्स के लिए काफ़ी मददगार है। दूसरा, यह पिच शुरुआती ओवर में बैटर्स को मदद करता है और फिर बाद में स्पिनर्स के लिए बहुत यूजफुल है। ओवरऑल ये पिच क्वालिटी बॉलर और बैट्समैन दोनों को सपोर्ट करता है, पेसर्स को भी मदद करता है। दोस्तों स्टार्टिंग ओवर में जिसके पास सेम मूवमेंट अच्छे है उनको मदद करता है। टीम कंपेरिजन ऑन मैंने देख लेते हैं, ट्रिनबागो ने यहाँ पर 10 मुकाबले खेले जिसमें 9 जीते हैं 146 के एवरेज स्कोर के साथ। वही सेंट किट्स ने 10 खेले सिर्फ 2 जीते 134 के एवरेज स्कोर के साथ। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा विनिंग चांसेस हैं उनके। और वैन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 141, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 129 है, जो कि बहुत ही एवरेज सही है, मतलब एक बॉलिंग एवरेज है स्कोर है। फर्स्ट बैटमिंग परसेंटेज 46 है और सेकंड बैटमिंग परसेंटेज 51% है, जो कि 50-50 है। टॉस कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, अच्छा जो खेलेगा वो जीतेगा। मैं बात करें ट्रिनबागो प्लेइंग 11 के बारे में तो एस पेरिस नारायण ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, वन डाउन निकलस पुरन के कार्टी टीम डेविड कारन पोलार्ड आंद्रे रसेल अखिल हुसैन क्रिस जॉर्डन जोशुआ लिटिल और मेल सलाम खेल। वहीं भाई दूसरी तरफ सेंट किट्स के तरफ से एवन लुइस एंड फ्लेश ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, साथ में एम लुइस कैन मेयर्स चेयर डे सिल्वा ब्राइडी रोसो डोमिनिक ब्रेक्स आर जॉन एनिक नोकिया ए आर नेट और तरबेर शमसी। डोमिनिक ब्रेक्स की जगह आपको भी अनदर बॉलर भी देखने को मिल सकता है। वही भाई मैच जीतेगा वह ट्रिनबागो नाइट राइडर्स से मैच विन करेगा। सेकंड बैट पर आता है तो आपको टिकट डबल लिमिट से प्ले करना है। बाद में देख लेते हैं दोस्तों ये टिकट मैच विनर आपको पता चल गया। वहीं पर बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। दोस्तों अपनी ड्रीम इलेवन टीम होने वाली ड्रीम इलेवन टीम में सुरेन नारायण मस्ट है निकलस पोर्टल कैरन फुलार्ड आंद्रे रसेल क्रिस जॉर्डन और अखिल हुसैन। वही भाई सेंट किट्स की तरफ से आपके टीम में एवन लुइस एंड फ्लेचर में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा, कायल मेयर्स को रखिएगा और एनिक नोकिया तरबेर शमसी कुछ प्लेयर जिसको आप अपनी टीम में ज़रूर से रखिएगा। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमको वो व्हाट्सअप पे इंस्टा पे टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चन रेज करके हमसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी मन में क्वेरी है तो तुरंत रेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का ध्यान रखना भाई को, बाय बाय।